आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ये मूल प्रमाण पत्र क्या होता है, ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट क्या होता है, इसका उपयोग क्या है, ये कब मिलता है, कैसे मिलता है, ये सारी बातें 10th बोर्ड या 12th बोर्ड मैट्रिक इंटर के परीक्षार्थियों के लिए ये सारी बातें मैं क्लियर करने वाला हूँ आपको इस वीडियो में। देखिए, जो मूल प्रमाण पत्र होता है ना, ये मार्कशीट नहीं है, मार्कशीट अलग चीज़ होता है, ये मूल प्रमाण पत्र अलग होता है। और मूल प्रमाण पत्र को ही हम कहते हैं ओरिजिनल सर्टिफिकेट या पासिंग सर्टिफिकेट। तो मार्कशीट की बात करें तो वो सिर्फ आपके मार्क्स का स्टेटमेंट है। आपने किसी एग्जाम में, चाहे वो मैट्रिक का एग्जाम हो, चाहे वो इंटर का एग्जाम हो, उसमें आपने कितना मार्क्स हासिल किया, कितने नंबर आपके आए, किस किस सब्जेक्ट में कितना नंबर आपको मिल पाया, उसका पूरा स्टेटमेंट है वो, उसको हम कहते हैं मार्कशीट। जबकि ये सर्टिफिकेट हुआ ना, ये आपके पास होने का सबूत है, प्रूफ है। और ये जो सर्टिफिकेट है, जिसको हम लोग मूल प्रमाण पत्र भी कहते हैं, सामान्यतः आप जिस साल मैट्रिक या इंटर का एग्जाम देते हैं उसके एक साल के अंदर अंदर आपके स्कूल कॉलेज में पहुंच जाता है, मिल जाता है। यहां पर मैं बता दूं कि ये जो मिलता है मूल प्रमाण पत्र, ये कहीं और से आपको नहीं मिलेगा। आप सोचेगा कि हम बिहार बोर्ड से एग्जाम दिए हैं तो जाकर के डायरेक्ट बिहार बोर्ड के ऑफिस से इसको ले लें, तो ये संभव नहीं है। आपको कभी भी ये मूल प्रमाण पत्र मिलेगा तो जिस साल आपका एग्जाम हुआ, उस साल एग्जाम से लेकर के एक साल की अवधि जोड़ लीजिए, एक साल के अंदर अंदर जिस कॉलेज या जिस स्कूल से आपने मैट्रिक या इंटर का एग्जाम दिया है उस कॉलेज या उस स्कूल में पहुंच जाता है, और वहीं से जाकर के आप ले सकते हैं, आप डायरेक्ट बोर्ड ऑफिस से नहीं ले सकते। अब यहां पर एक बात और मैं क्लियर कर दूं कि जब तक, चूंकि ये मूल प्रमाण पत्र या ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो है लेट से आता है, और अगर किसी बच्चे को इसका काम पहले ही पड़ जाए तो उसके लिए बिहार बोर्ड क्या करता है ना कि आपके मार्कशीट के साथ ही प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी जारी कर देता है। प्रोविजनल का मतलब क्या हुआ? औपबंधिक प्रमाण पत्र। और ये औपबंधिक प्रमाण पत्र इसलिए ही जारी किया जाता कि अगर ये जो चूंकि एक साल लग रहा है, मूल प्रमाण पत्र आने में एक साल लग रहा है, और इस बीच अगर किसी बच्चे को इस मूल प्रमाण पत्र का काम पड़ जाए तो वह अपना वो काम प्रोविजनल सर्टिफिकेट के जरिए कर सकता है। मतलब यह हुआ कि जब तक आपको मूल प्रमाण पत्र नहीं मिल जाता तब तक मूल प्रमाण पत्र वाला काम कौन करेगा? तो औपबंधिक प्रमाण पत्र यानी प्रोविजनल सर्टिफिकेट उसका काम करेगा। यह हो गया ये औपबंधिक प्रमाण पत्र का काम। अब रही बात कि ये जो मूल प्रमाण पत्र है इसको लेने के लिए हमें कहां जाना होगा, तो मैंने पहले बता दिया कि आपको अपने स्कूल कॉलेज में जाना होगा। क्या लेकर जाना होगा? तो इस मूल प्रमाण पत्र को लेने के लिए आपको अपने स्कूल कॉलेज में अपना एडमिट कार्ड, मार्कशीट वगैरह लेकर के जाना होगा। बहुत सारे स्कूल कॉलेज ऐसे भी होते हैं जो कैंडिडेट को ही, स्टूडेंट को ही ये प्रमाण पत्र देते हैं, उनके बदले किसी और को नहीं देते। तो आप स्वयं जाएं तो ज्यादा बेहतर है, हो सकता है कि कोई और जाएगा तो उनको ये प्रमाण पत्र ना भी दिया जाए, इसलिए ये प्रमाण पत्र लेने के लिए स्वयं जाना पड़ेगा, कोई एक प्रूफ लेके जाना पड़ेगा कि हाँ भाई हम ही कैंडिडेट हैं, आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए, मार्कशीट होना चाहिए, कुछ भी आपके पास एक होना चाहिए प्रूफ। अब ये मूल प्रमाण पत्र जो है, जिसको हम लोग ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी कहते हैं, चाहे मैट्रिक हो चाहे इंटर हो, इसका काम कहाँ कहाँ पड़ता है? बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कभी इसका भविष्य में काम पड़ता भी है या नहीं? काम पड़ता है भाई। आप आगे जब बढ़ेंगे, पढ़ाई करते करते आगे बढ़ेंगे, कॉम्पिटिटिव लाइन में जाएंगे, नौकरियों के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप फॉर्म भरेंगे, और अगर आपका कहीं सिलेक्शन होगा तो उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। नौकरी आपको मिलने से पहले डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाता है, और उस वक्त डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपसे प्रमाण पत्र भी मांगा जाएगा, मूल प्रमाण पत्र भी मांगा जाएगा। मार्कशीट तो मांगा ही जाएगा, मार्कशीट के साथ साथ ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट यानी मूल प्रमाण पत्र भी मांगा जाता है। दूसरी बात कि बहुत सारे प्रतियोगिताओं के लिए जो फिर फॉर्म भराता है, उस फॉर्म को भरने के दौरान भी कई बार ऐसा होता है ना कि इसको स्कैन करके अपलोड करना पड़ता है मूल प्रमाण पत्र को। तो अगर आप एग्जाम जल्दी में दिए हैं, आपके पास अभी मूल प्रमाण पत्र नहीं पहुंचा है, तो उसके लिए आपके पास औपबंधिक प्रमाण पत्र है। जब तक आपको मूल नहीं मिला तब तक आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट यानी औपबंधिक प्रमाण पत्र से काम चला सकते हैं। जहां जहां पर उसको देना था वहां वहां पर आप प्रोविजनल को दे सकते हैं, जहां जहां पर उसको अपलोड करना था वहां वहां पर आप उसको अपलोड कर सकते हैं। तो ये मूल प्रमाण पत्र कहीं भी, कभी भी, किसी भी नौकरी के वक्त आपसे मांगा जा सकता है। इसलिए अगर आपको एग्जाम दिए हुए साल भर हो गया है तो एक बार अपने स्कूल कॉलेज में जाकर के पता कर लें कि आपका मूल प्रमाण पत्र आया कि नहीं आया। मैं आपको बता दूं कि 2023 में जिन बच्चों ने मैट्रिक का एग्जाम दिया उन बच्चों का मूल प्रमाण पत्र आ चुका है, और जिन बच्चों ने 2023 में इंटर का एग्जाम दिया है ऐसे बच्चों का एक महीने के अंदर अंदर मूल प्रमाण पत्र आने की संभावना है। अब 23 वाला आ गया, अब आप सोचिएगा कि 22 का आया कि नहीं, 21 का आया कि नहीं, 20 का आया कि नहीं। तो 23 से पहले जितना भी 22 हो, 21 हो, 20 हो, 19 हो, 18 हो, 2017 हो, सबका जो भी मैट्रिक और इंटर का एग्जाम है सबका मूल प्रमाण पत्र उनके अपने स्कूल कॉलेज में पहुंच चुका है, आप चाहें तो जाकर के ले सकते हैं। तो याद रखिए कि ये डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंट आपको स्कूल कॉलेज में छोड़ना नहीं है, क्योंकि कभी भी आपका काम पड़ सकता है। और हो सकता है कि जब आपको काम पड़े और आपके पास उपलब्ध ना हो, आप लेने जाएं, वहाँ हेडमास्टर ना मिले, क्योंकि मूल प्रमाण पत्र पर हेडमास्टर का साइन और मुहर होता है पीछे में। तो ये साइन और मुहर के बिना वो मूल प्रमाण पत्र ओरिजिनल सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होता। इसलिए मान लीजिए कि आप गए अपने स्कूल कॉलेज में लेने के लिए, टाइम पड़ गया, आपको ज़रूरी हो गया, उस वक्त गए स्कूल कॉलेज में, प्रिंसिपल नहीं मिले, हेडमास्टर नहीं मिले, तो दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए 2023 का मैट्रिक आ चुका है, इंटर का आने वाला है, और 2023 से पहले जिस भी साल का आप एग्ज़ाम दिए हों, आपका मूल प्रमाण पत्र आपके अपने स्कूल कॉलेज में पहुंच चुका है, जा करके आप ले सकते हैं। एक बात मैं और बता दूं कि इस मूल प्रमाण पत्र को लेने के लिए पैसा देने का कोई प्रावधान नहीं होता। ये चीज जो है, ये कहीं पर नियम इसका नहीं है कि पैसा देना ही पड़ेगा, बिना पैसे के देने का प्रावधान होता है, लेकिन फिर भी आपसे पैसे मांगे जा सकते हैं, तो ये आपको खुद ही डील करना होगा अपने स्कूल कॉलेज से। तो इतनी बातों को आपको समझ लेना है। मूल प्रमाण पत्र अगर नहीं लिए हो तो जाकर के ले लेना है, इसके काम को, महत्व को समझते हुए इसको अपने पास रख लेना है। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।